हेलो स्टूडेंट्स ऑडिटिंग क्लास राइट चैप्टर नंबर फिफ्टीन मोशन एंड रेजोल्यूशन्स वी आर स्टार्टिंग टूडे राइट आज तक क्लास हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है हमने अभी तक सारी मीटिंग्स पढ़ ली हैं राइट right? चाहे वो शेयर होल्डर्स मीटिंग हो चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो हमने उनके रिक्वेज्स भी पढ़ लिए है कि वो मीटिंग्स कब वैलिड हो सकती हैं क्योंकि अगर मीटिंग इनवैलिड हो गई तो उसमें कही गई हर एक बात इनवैलिड हो जाएगी सारे रेजोल्यूशंस इनवैलिड हो जाएंगे अब द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि मीटिंग होती क्यों है एक ग्रुप ऑफ़ डायरेक्टर्स या एक ग्रुप ऑफ़ शेयर होल्डर्स इकट्ठे आते हैं राइट right? कुछ टाइम निकाल कर तो कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए आते हैं वो राइट right? क्योंकि हर एक का टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कोई फ्री तो है नहीं चाहे वो हम वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें चाहे हम वो शेयर होल्डर्स की बात करें अगर एक ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं कुछ मीटिंग रख रहे हैं तो वो मीटिंग हमेशा क्या होनी चाहिए प्रोडक्टिव होनी चाहिए मतलब क्या है कि उस मीटिंग का कोई ना कोई आउटकम होना चाहिए बिना आउटकम के कोई मीटिंग नहीं होगी ऐसा नहीं है कि बस हमने आप सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला लिया राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी कुछ बातें की इधर उधर की और बस ऐसा नहीं हो सकता मीटिंग्स में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिनके आंसर्स मिलने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर शेयर होल्डर्स को दोनों को सो क्लास इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को ही क्या बोलते हैं मोशंस एंड रेजोल्यूशंस मोशंस मोशंस मतलब क्या क्वेश्चंस जो भी मीटिंग में क्वेश्चंस या एजेंडा डिस्कस होगा उसको हम क्या बोलते हैं मोशंस अब कैसे एजेंडा कैसे एजेंडा मतलब कि मीटिंग रखी क्यों गई है राइट right? अब मीटिंग रखी क्यों गई है उसके अंदर भी तीन चार पॉइंट्स हो सकते हैं ज़रूरी नहीं कि एक ही एजेंडा की मीटिंग होती है तीन चार पच छः बातें भी हो सकती हैं तो वो जो तीन चार पाँच छः क्वेश्चन हैं ना क्लास उसको हम क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं मोशंस देन यही मोशंस आगे जाके रेजोल्यूशंस बन जाते हैं मतलब क्या है जब मीटिंग में इन मोशंस के हमें आंसर्स मिल जाते हैं तो ये मोशंस को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं रेजोल्यूशंस रेजोल्यूशन Resolution मतलब हमने कुछ रिजॉल्व कर लिया हमने किसी चीज़ का आंसर ले लिया उस मीटिंग के आउटकम से राइट सो मोशन का मतलब क्या है मोशन इज जस्ट अ प्रपोजल मतलब क्या है कि इस मुद्दे पर बात होनी है मीटिंग में देखते हैं कि मुद्दा पास होता है या नहीं होता हम देखते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लैंड खरीदनी है उन्होंने ये रख दिया एक मोशन रख दिया एजेंडा में येस द परचेज ऑफ लैंड वुड बी डिस्कस्ड तो क्लास ये चीज क्या बन जाएगी एजेंडा के अंडर मोशन नंबर वन मीन्स क्या है इट इज़ अ प्रपोजल फॉर द एक्शन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसा एक्शन लेना चाह रहे हैं अब वो म्यू अब क्लास वो म्यूचुअली ही डिसाइड होगा राइट right? कि उन्होंने वो लैंड खरीदनी है या नहीं खरीदनी अगर तो आंसर येस yes में आता है राइट right? तो हमने क्या कर दिया उस मोशन को रिजॉल्व कर दिया उसका आंसर ले आए हम बट अगर वो कहते हैं कि हम ये लैंड नहीं खरीदना चाहते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चीज़ डिसाइड हो जाती है तो मतलब क्या हो गया उस मोशन को अबेंडन कर दिया गया है और वो मोशन नलीफाई हो गया है राइट right? उसका रेजोल्यूशन कुछ नहीं निकला है जो कि पास हुआ है सो so रेजोल्यूशन मतलब कि जौन सी चीज़ पास हुई है राइट नाउ मोशन आर अ वे दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेक्स डिसीजन एंड गिव्स डायरेक्शन ये वेरी ट्रू हमने कुछ मोशंस डिसाइड कर लिए चार से पांच मोशंस राइट right? मतलब चार से पांच क्वेश्चंस हमने डिसाइड कर लिए उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वे म्यूचुअली डिस्कस्ड होंगे राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में और फिर पता लगेगा कि आगे जाके कंपनी कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी नाउ क्लास हैंडलिंग ऑफ मोशंस राइट द वे अ बोर्ड हैंडल्स मोशंस ये दिखा देता है कि बोर्ड कितना एफिशियंट है और इफेक्टिव है अपनी वर्किंग में राइट right? जितने अच्छे और जितने फॉर्म डिसीजंस लिए जाएंगे मोशंस के ऊपर उनको रिजॉल्व किया जाएगा मतलब जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है वो उतनी ही एफिशिएंट है और उतनी ही इफेक्टिव है ज़्यादा राइट देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज हाउ डू मोशंस वर्क मतलब प्रोसीजर क्या है मोशंस के रेजोल्यूशन्स बनने तक का सो क्लास अंडर इट वी हैव फोर स्टेप्स फर्स्ट इज मेकिंग ऑफ द मोशन देन इज स्टेप नंबर टू सेकेंडिंग द मोशन हियर द टर्म से मीन्स सपोर्टिंग द मोशन दैन इज स्टेप नंबर थ्री डिस्कसिंग द मोशन दैन इज स्टेप नंबर फोर वोटिंग ऑन एन मोशन राइट और जब वोट होकर ये मोशन पास हो जाएगा मेजॉरिटी से तो उसको क्या बोल देंगे रेजोल्यूशन पास्ट नाउ मूविंग ऑन विद दिस फर्स्ट स्टेप मेकिंग ऑफ द मोशन अप क्लास मोशनस प्रिपेयर कैसे होते हैं एक मोशन को प्रिपेयर होने के लिए दैट मोशन शुड बी स्पेसिफिक राइट मीन्स बहुत देर से दिक्कत आ रही थी एक लैंड खरीदनी थी ऑर्गेनाइजेशन ने क्योंकि वहां पर उन्होंने अपना फैक्ट्री एरिया सेटअप करना है राइट सो इट इट वॉज अ प्रॉब्लम एंड इट वॉज अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अब उसका रेजोल्यूशन क्या हो सकता है कि एक लैंड खरीद ली जाए तो ऐसे करके क्या बन गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का एक मोशन प्रिपेयर हो गया राइट right? एक तो ये बात हो गई कि पहले से ही कोई प्रॉब्लम चल रही है पहले से ही कोई अनसर्टेनिटी चल रही है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बट ज़रूरी नहीं है कि सारे जो मोशंस हैं वो पहले से ही डिसाइडेड हों राइट कुछ मोशंस ऐसे भी होते हैं जो ड्यूरिंग द मीटिंग डिसाइड किए जा सकते हैं ऐसा भी हो सकता है राइट right? क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स होती हैं इसलिए कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को देख के मीटिंग रखी जाती है सो so, कुछ मीटिंग्स तो प्रो कुछ मोशन्स तो ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है वो डिस्कस होगी और कुछ मोशंस ऐसे भी हो सकते हैं जो ड्यूरिंग द मीटिंग प्रिपेयर हो सकते हैं कि एक और मीटिंग ना करनी पड़े हम साथ साथ ये भी डिस्कस कर लें या छः महीने बाद कोई ऐसा प्रॉब्लम आने वाली है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आज ही पता लग गई है तो वो उसी मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे सो so मीन्स दोनों तरह से मोशंस प्रिपेयर हो सकते हैं नाउ क्लास मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू इज सेकेंड द मोशन नो वट डू सेकेंडिंग मीन्स क्लास सेकेंडिंग का मतलब क्या है सपोर्ट और सपोर्ट इन फेवर ऑफ कि ये मोशन या ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम कंसिडर करें और अपना टाइम दें बिकॉज बिकॉज सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने अपने इंडिपेंडेंट व्यू के साथ बैठे होते हैं राइट right? अब किसी को लगा कि ये बात डिस्कस करने के उसमें है ही नहीं कंसिडर करने के वध नहीं हैं सो so, उन्होंने सेकेंड नहीं किया सेकेंड मीन्स सपोर्ट नहीं किया उस चीज़ को सो so फिर वो मोशन क्या हो जाएगा वो मोशन वहीं पर ही नलीफाई हो जाएगा और अबैंडन हो जाएगा सो क्लास मोशन को सेकंड करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सबको एक फेयर चांस दे रहे हैं कि उन्होंने उस क्वेश्चन के ऊपर आंसर देना चाहते हैं वो अपना टाइम देना चाहते हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं वो क्वेश्चन या नहीं चाहते राइट सो मीन्स क्या है इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेकेंडर है जिसने बोल दिया हाथ उठा के येस आई वुड टॉक ऑन दिस कि मतलब उसने एग्री कर लिया कि ये मोशन तो पास हो जाएगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपना टाइम देना चाहते हैं कि अगले 10-15 मिनट हम चीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट अगर मेजॉरिटी को ये लगता है कि वो अनइम्पॉर्टेंट है मोशन वो डिस्कस करने के लायक नहीं है कि सबका टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज़ से तो वो सेकंड ना करें और वो मोशन वहीं के वहीं क्या हो जाएगा नलीफाई हो जाएगा अबैंडन हो जाएगा राइट सो डायरेक्टर्स क्या बोलते हैं सेकेंड करने के लिए मोशन के लिए दैट आई सेकेंड द मोशन वो इतना टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं अगर पाँच जने बैठे हैं एक चेयरमैन है राइट right? तो मतलब बाकी कितने रह गए चार चार में से कम से कम दो को तो सेकेंड करना ही पड़ेगा क्योंकि तभी इन फेवर में बात होएगी चेयरमैन बात करना चाहते होंगे दो जनों ने हाँ कह दी तभी उस बात के ऊपर डिस्कशन होगी अगर किसी एक ने हाँ नहीं की मतलब क्या चारों के चारों ने सेकंड नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन अपने हिसाब से बोलेगा आप डिस्कशन शुरू कर लो नहीं जी ऐसा नहीं होता वो चीज़ वही कि भाई अबैंडन हो जाएगी अगर ऐसा होने लग गया तो क्लास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर तो सारे डिसीजन चेयरमैन खुद ही ले लें ऐसा नहीं होता है कभी भी राइट सो इफ नो वन सेकेंड द मोशन इट मीन्स दैट द मोशन इज नॉट वर्दी ऑफ डिस्कशन कि इस क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए एक बहुत अनइम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है ये जिसके ऊपर बोर्ड अपना टाइम नहीं देना चाहती राइट सो चेयरमैन फिर क्या बोलेंगे चेयरमैन वुड बोलेंगे दैट द मोशन डाइज फॉर द लैक ऑफ सेकेंडर मीन्स द फॉर द लैक ऑफ सपोर्टर राइट और जो स्टेप नंबर थ्री है और जो स्टेप नंबर फोर है स्टेप नंबर थ्री एंड स्टेप नंबर फोर मतलब क्लास डिस्कशन एंड वोटिंग ये दोनों फिर आगे नहीं होंगी क्योंकि मोशन वुड डाई राइट बिकॉज एवरीबडी एवरीबडीज टाइम इज़ रिस्पेक्ट रिस्पेक्टवर्दी राइट और उनको जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसमें बिजनेस ट्रांजेक्ट करना है मीन्स ऐसी प्रोफेशनल बातें डिस्कस करनी है जिनके ऊपर डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, अनइम्पॉर्टेंट जो ऐसी क्वेश्चन uh, हैं उनको वो क्या कर सकते हैं फिल्टर आउट भी कर सकते हैं देन अगर तो सेकेंड हो गया अच्छी तरह से मतलब सपोर्ट मिल गई कि येस yes, ये पॉइंट ऐसा है या ये स्टेप या ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा सकता है डिस्कशन के थ्रू सब ने सपोर्ट कर दिया उसको और कह दिया दैट आई सेकेंड द मोशन फिर ही डिस्कशन शुरू होती है मोशन के ऊपर नाउ अब इसमें क्या क्या डिस्कशन हो सकती है क्लास एक तो जो डिबेट है मतलब कुछ इन फेवर में होंगे कुछ अगेंस्ट होंगे उस मोशन के वो बहुत ही फोकस्ड होनी चाहिए मतलब क्या है जो टॉपिक है उससे डिविएट नहीं होना चाहिए जो टॉपिक है उसके ऊपर ही फोकस्ड डिस्कशन होनी चाहिए यस द चेयरमैन ये तो हमने रिक्वेस्ट्स में भी पढ़ा है कि चेयरमैन को प्रॉपरली इंश्योर करना है कि डिसिप्लेंड वे में ये डिबेट चले और डिबेट इज़ कंट्रोल्ड राइट कि डिबेट कंट्रोल हो इन टर्म्स ऑफ फेयरनेस कि कोई भी बायस्ड डिसीजन ना हो बैलेंस हर एक को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए एंड एफिशिएंसी मतलब कुछ लॉजिक्स हैं बात के पीछे तभी कोई बात मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही उसके बाद इट इज़ ऑन द चेयरमैन की जब उसको लगता है कि सफिशेंट डिस्कशन हो गई है उसके बाद अब सीधा वोटिंग पर आएंगे वो लोग कि पास कराना है कि नहीं कराना क्योंकि डिबेट एक ऐसा टॉपिक है जो कभी एंड ही नहीं हो सकता सो so, जब चेयरमैन को ये लगता है कि यस डिस्कशन हो चुकी है उसके बाद क्या होता है वोटिंग ऑन द मोशन नाउ क्लास वोटिंग ऑन द मोशन मतलब कि अब बाय शो ऑफ हैंड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोट करेंगे इन फेवर या अगेंस्ट में राइट right? सो द अटेंडिंग्स मीन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं दे हैव द राइट टू स्पीक मेक मोशंस एडवोकेट ऑफ पोजिशन वोट एंड चेयरमैन हैज टू इंश्योर दैट एवरी वन गेट्स देयर राइट मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सारे पार्टिसिपेंट्स को ये चारों स्टेप्स के ऊपर प्रॉपर राइट है फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्पीकिंग येस कि वो ये बात करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मीटिंग भी क्या हो सकती है मोशन बन सकता है ड्यूरिंग द मीटिंग भी एडवोकेट अपोजिशन मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्टर को फील हो कि वो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है मीटिंग का उसकी बात नहीं सुनी जा रही एंड देन वोट वोट करने का भी उसका अपना हक है डायरेक्टर का अगर वो वोट करना चाहता है करे अगर वो नहीं वोट करना चाहता ही वॉन्ट्स टू बी अ न्यूट्रल पार्टी दैट इज ऑल्सो टोटली ओके कोई उसको फोर्स नहीं करेगा कि वो वोट करे करे अगर उसने मीटिंग में आना है इन फेवर भी वोट हो सकती है अगेंस्ट भी वोट हो सकती है सो so क्लास द वेरी कॉमन वे ऑफ वोटिंग ऑन द मोशन इज बाय शो ऑफ हैंड्स राइट शो ऑफ हैंड्स के थ्रू वोट हो सकती है और किसी डायरेक्टर ने वोट नहीं करना ही और शी वॉन्ट्स टू प्ले एज अ न्यूट्रल पार्टी दैट इज ऑल्सो टोटली ओके राइट देन क्लास एक और तरीका होता है वोटिंग का दैट इज़ वोट वोट्स थ्रू पोस्टल बैलेट मतलब कि अगर कॉन्फिडेंशलिटी रखनी है कि किसने इन फेवर में वोट किया किसने अगेंस्ट में वोट किया तो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोट किया जा सकता है जिनसे कि आइडेंटिटी रिवील ना हो कि कितने नहीं किस किसने इन फेवर में वोट किया और किस किसने अगेंस्ट में वोट किया राइट right? जो नॉर्मल वोटिंग प्रोसीजर्स होता है देन क्लास अब ऐसा नहीं है कि चेयर पर्सन वुड वेट कि ये जो इसका आंसर है इस मोशन का रेजोल्यूशन है वो चार दिन पाँच दिन छः दिन बाद आएगा ऐसा नहीं होता उस मीटिंग के तभी के तभी अनाउंस करना रिजल्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ है या ये मोशन डिक्लाइन हुआ है दोनों में से कुछ ना कुछ हुआ ही होगा या तो रेजोल्यूशन पास हो चुका होगा या तो मोशन डिक्लाइन हो चुका होगा राइट देन मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मोशन कि जो मोशंस हैं वो कितने तरह के होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्राइमरी मोशन क्लास प्राइमरी मोशन एज द नेम सजेस्ट इट इज द नॉर्मल क्वेश्चन जो कि सबसे पहले रखा गया है बोर्ड मेंबर्स के आगे इन द एजेंडा फॉर्म राइट इट इंट्रोड्यूस द मेन फोकस ऑफ द बिजनेस फॉर द मीटिंग कि मेन फोकस है फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग ऑफ लैंड तो चेयरमैन वुड स्टार्ट द मीटिंग विद आई मूव टू परचेज लैंड फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन एक लैंड खरीदनी चाहते हैं वो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है ये एजेंडा में भी लिखा हुआ था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चेयरमैन ने सबसे पहले आकर ये बता भी दिया कि हाँ जी हमने अभी कौन से मोशन पर बात करनी है तो वो मोशन जैसे के जैसा एजेंडा में लिखा हुआ था वैसे के वैसे शेयर होल्डर ने बता दिया मोशन राइट नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट टाइप इज अमेंडमेंट और सेकेंडरी मोशन नाउ अब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं चेयरमैन ने एजेंडा से मोशन नंबर वन पढ़कर सुना दिया अगर तो सारे उन्हीं की बात माने जाएंगे फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है सो so, अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि कोई नया बिजनेस या चेंज नहीं कर दिया वर्डिंग किसी भी चीज़ की बट कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया है इस लाइन में से कौन सी लाइन में से जो मोशन वाली लाइन थी जो डायरेक्ट जो चेयरपर्सन ने रीड की मीन्स क्या है उन्होंने बोला था आई मूव टू परचेज अ लैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट कुछ बात हुई कुछ डिस्कशन हुई सेकंड कर दिया सबने मोशन को और फिर बात यह हुई कि दो साल बाद दोबारा लैंड परचेज करनी पड़ेगी सो लेट अस चेंज द और ऐड समथिंग एक्स्ट्रा टू दिस मोशन ओनली दैट आई मूव टू परचेज थ्री लैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मतलब आगे जाके उन्होंने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से सोचा तो दो लैंडस और भी परचेज़ करनी पड़ सकती थी एक लैंड के एड राइट सो क्लास जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये देखते हैं कि उन्होंने किसी मोशन को थोड़ा बहुत अमेंड करना है मतलब क्या है कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसी एसेंस में मतलब कि कोई नया बिजनेस के बारे में बात नहीं हुई यहाँ पर परचेजिंग ऑफ लैंड की ही बात की हुई हुई है कोई चेंज ऑफ वर्डिंग नहीं किया परचेज ही कर रहे हैं हम लैंड को बट क्या कर दिया क्वांटिटी इंक्रीज कर दी सो so इसको क्या बोलते हैं अमेंडमेंट और सेकेंडरी मोशन राइट अब ये क्यों किया जाता है टू मेक द मोशंस मोर मैनेजिवल अब ऐसा नहीं है कि दो महीने बाद एक और मीटिंग रखी जा रही है यही टू परचेज अ लैंड अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं और उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है तो वो ये देख कर पढ़ सकते हैं और आगे सोच भी सकते हैं कि उनको दो लैंड और चाहिए तो उन्होंने तभी इस मोशन में एडिशन करा दिया राइट न्यू इन्साइट्स मीन्स वही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच चाहिए कि मोडिफ ये मॉडिफिकेशन अब अगर अभी हो सकती है तो इससे क्या होगा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो जाएगी नाउ देन इज क्लास पॉइंट नंबर थ्री इज सब्सटेंसिव मोशन नाउ सब्सटेंसिव मोशन को हम अमेंड द अमेंडमेंट मोशन भी बोलते हैं नाउ वट डू वी मीन बाय दिस क्लास एक तो हो गया अमेंडमेंट मतलब प्राइमरी मोशन था उसको हमने एक बार अमेंड कर दिया इट इज़ ओके राइट बट सबस्टेंस मोशन होता है ऑल्ट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन मतलब क्या है एक और नई अमेंडमेंट सोची बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसी मोशन के ऊपर और इस मोशन के ऊपर क्या कर दिया शो ऑफ हैंड्स के थ्रू वोटिंग कर दी क्लास अभी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है अभी उन्होंने सोचा नहीं है कि क्या करना है या क्या नहीं करना उन्होंने बस ये देखा कि मोशन की जो लाइन है जो क्वेश्चन है वो इनकम्प्लीट है एक बार तो उन्होंने ऑल्टर कर दिया कि हमने तीन लैंड्स कर लिए एक से लेके तीन बट इसको पूरे के पूरे को ऑल्टर कर दिया और ओरिजिनल मोशन को जब हम पूरे के पूरा ऑल्टर कर देते हैं उसको बोलते हैं सब्सटेंसिव मोशन मतलब जिसमें अमेंडमेंट के ऊपर भी अमेंडमेंट हो जाए मतलब दूसरी या तीसरी बार अमेंडमेंट हो जाए सो अब हमारा जो मोशन है वो क्या बन गया आई मूव टू बाय सिक्स लैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फाइव फॉर फैक्ट्री सेटअप एंड वन फॉर कॉरपोरेट ऑफिस अब देखो क्लास पहले ओरिजिनल मोशन से कितना चेंज हो चुका है पहला जो ओरिजिनल मोशन था वो सिर्फ ये था आई मूव टू परचेज अ लैंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता था कि फैक्ट्री सेटअप के लिए चाहिए फिर उसके बाद उस पर अमेंडमेंट हुई कि तीन लैंड्स ले, ले लेते हैं और अब सब्सटेंसिव मतलब अमेंडमेंट के ऊपर भी अमेंडमेंट ये हुई सोच विचार कर और क्लास सब्सटेंसिव का एक और फीचर है कि इस पर वोटिंग होगी कि कितने जाने इस चीज़ को ऐसे अमेंड कराना चाहते हैं अगर मेजोरिटी नहीं कराना चाहेगी तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट मोशन ही रहेगा कि आई मूव टू परचेज थ्री लैंड बस राइट right? इस पर वोटिंग होगी की मेजोरिटी ने हाँ कर दिया तो ये मोशन अब क्या बन गया है आई मूव टू बाई सिक्स लैंड्स फाइव फॉर फैक्ट्री सेटअप एंड वन फॉर कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्कुल ये सेंस चेंज होगी राइट देन इज फॉर्मल मोशन नाउ क्लास अभी तक हम बात कर रहे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की क्यों बात कर रहे थे क्योंकि मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने बिहाफ पर अपॉइंट किया हुआ है राइट right? वही सारे डिसीजंस लेंगे और रेजोल्यूशंस पास कराने के लिए शेयर होल्डर मीटिंग हो जाएगी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है राइट right? क्योंकि सारा काम अब शेयर होल्डर्स तो करेंगे नहीं क्योंकि अगर सारा काम शेयर होल्डर्स ने ही करना है सारे मोशंस को पास करना है मोशंस को अमेंड करना है सब्सटेंसिव बनाना है अगर सारा काम शेयर होल्डर्स का ही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं होता फिर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने ही नहीं चाहिए बट ऐसा भी नहीं होता बट कुछ पावर्स होती हैं शेयर होल्डर्स के पास राइट right? कब होती हैं वो पावर्स जब कुछ इनकरेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करने लग जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राइट सो कुछ ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए अगर कोई रूल्स वायलेट कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उनके बारे में बोलने के लिए अगर इनरेलीवेंट टॉपिक्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास करा रही है बोर्ड राइट right? तो फिर क्या हो जाएगा फॉर्मल मोशन इंट्रोड्यूस कर लेंगे मेंबर्स और क्लास इसका बेसिक फीचर यही है कि जो फॉर्मल मोशन है उसकी जो पावर होती है वो मेंबर्स के पास होती है मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स के पास होती है मतलब क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये चीज़ बात हो गई ठीक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हाँ बोल दिया चलो आप छः लैंड खरीदेंगे पांच फैक्ट्री सेटअप के लिए एक कॉरपोरेट ऑफिस में ऑफिस के लिए राइट बट जब ये चीज़ शेयर होल्डर्स के पास रखी गई एजीएम में क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी तो बताना पड़ेगा ना तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो ज़रूरत ही नहीं है कंपनी के पास बहुत सारी लैंड पड़ी है वो वो क्यों नहीं यूज़ कर रही तो एक शेयर होल्डर जो बहुत नॉलेजेबल था इस बारे में तो उन्होंने ये क्वेश्चन रेज कर दिया और एक ऑब्जेक्शन लगा दी इसके ऊपर सो हमेशा फॉर्मल मोशन क्या होता है ये पावर होती है शेयर होल्डर्स के पास जब कोई ऑब्जेक्शन रेज करनी है ये रूल्स वायलेट कर रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इनरेलीवेंट टॉपिक्स के ऊपर रेजोल्यूशन पास करवा रही है और क्लास एक और बेसिक फीचर होता है फॉर्मल मोशन का कि फॉर्मर मोशन को सेकेंडिंग नहीं चाहिए होती मतलब सपोर्ट नहीं चाहिए होती ऐसा नहीं है कि अगर 50 शेयर होल्डर्स प्रेजेंट हैं तो अगर 26 तईस या अठाईस मेजॉरिटी हाँ मैं बोलेगी तभी फॉर्मल मोशन मूव होगा ऐसा नहीं होता अगर एक शेयर होल्डर ने भी ऑब्जेक्शन रेज कर दी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या तो उनकी वो ऑब्जेक्शन हटानी पड़ेगी रिजॉल्व करना पड़ेगा इशू या तो अपना मोशन वापस लेना पड़ेगा एक चीज तो होएगी ही हो होएगी क्योंकि हर एक शेयर होल्डर की बात इंडिपेंडेंट है इनको सेकंडिंग की जरूरत नहीं होती मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोल्यूशंस नाउ हमने मोशंस की बात कर ली कि मोशंस क्या होते हैं अब हमने क्या करानी है वोटिंग वोटिंग हो गई अगर तो वोटिंग मेजोरिटी इन फेवर हो गया मीन्स रेजोल्यूशन हैज बिन पास्ड अगर वोटिंग इन फेवर में नहीं है मतलब मोशन हैज बीन डिक्लाइंड राइट सो व्हाट इज द रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन इज अ मीडियम ऑफ डिसीजन मेकिंग मतलब हमें क्या मिल गया हमें आंसर्स मिल गए अपने क्वेश्चन के कि हमने आगे इस मुद्दे पर अब और बात नहीं करनी आज डिस्कस हो गया है या तो डिक्लाइन होगा मोशन या तो रेजोल्यूशन पास होगा सो वैन द मोशन इज पुट टू वोट मतलब जब स्टेप नंबर फोर होगा वेन द मेजोरिटी वोट्स इन फेवर रेजोल्यूशन इज पासड इन फेवर ऑफ द मोशन एंड इस लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी मतलब कल को कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कल का को कोई शेयर होल्डर उठकर ये नहीं कह सकता कि ये लैंड कब खरीदी हमें तो पता ही नहीं नो प्रॉपर रेजोल्यूशन पास हुआ है कंपनी के ऊपर बाइंडिंग है वो डिसीजन और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कंपनी ने कह दिया कि चलो ठीक है लैंड खरीदनी है अब चलो दस बीस साल तक लैंड खरीदी नहीं ऐसा भी नहीं होगा वो डिसीजन लीगली बाइंडिंग है ऑन द कंपनी और कंपनी को जल्दी से जल्दी लैंड खरीदनी ही पड़ेगी राइट right? ना क्लास रेजोल्यूशन के लिए कुछ रेक्विट्स भी होंगे राइट सो क्लास दीज रेक्विट्स आर द सेम जो कि मीटिंग के हैं क्योंकि अगर मीटिंग ही इनवैलिड होगी मीटिंग के रेक्वजिट्स फॉलो नहीं किए जाएंगे अगर हम बात करें शेयर होल्डर्स की मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोनों की तब कोई भी रेजोल्यूशन भी वैलिड नहीं होगा इफ मीटिंग इज वैलिड रेजोल्यूशन इज वैलिड इफ मीटिंग इज़ नॉट वैलिड रेजोल्यूशन इज इनवैलिड मीन्स मीटिंग भी प्रॉपरली कन्वीन हो चाहे वो कोई भी मीटिंग की हो शेयर होल्डर की हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो रेजोल्यूशन को मिनट बुक में रिकॉर्ड करना चेयरमैन के साइन कराने रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजना रेजोल्यूशन कि हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है तो ताकि एक प्रूफ हो जाए कि वो जो डिसीजन है वो अब लीगली बाइंडिंग है ऑन द कंपनी देन क्लास नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन मतलब कितने तरह के रेजोल्यूशन हो सकते हैं राइट सो द फर्स्ट वन इज द ऑर्डनरी रेजोल्यूशन सो क्लास एज द नेम सजेस्ट अगर हम बात करें एजीएम में यूजली ऑर्डनरी रेजोल्यूशन ही पास होते हैं मतलब क्या है इसका वे आर द वोस्ट वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन इज मोर देन दोस्ट वोट्स कास्ट अगेंस्ट मतलब कि अगर 51% की येस yes है जो प्रेजेंट है और 49% की नो no है तो एक ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है और ये ऑर्डनरी रेजोल्यूशन अगर हम कह रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग के लिए पास होता है तो बिजनेसेस जो ट्रांजैक्ट होते हैं मतलब इनके जो आंसर्स आते हैं वो बहुत ही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के होंगे जैसे कि अप्रूवल ऑफ स्टेट्यूटरी रिपोर्ट कि स्टेट्यूटरी रिपोर्ट उनको ठीक लग रही है शेयर होल्डर्स को या नहीं लग रही अब स्टेट्यूटरी रिपोर्ट क्या होती है वो आपका मीटिंग्स वाले चैप्टर में डिस्कस्ड है देन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आर शेयर होल्डर्स हैप्पी राइट इलेक्शंस ऑफ डायरेक्टर्स को डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उनकी जगह पर नए डायरेक्टर को अपॉइंट uh, करना है तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्ट हो रहा है फिफ्टी वन परसेंट इन येस हो गया तो ये ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और ऑर्डनरी रेजोल्यूशन जो है वो ए में ही पास होता है यूजली और क्लास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेजोल्यूशन होते हैं उनको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन कहते हैं बी एट ऑर्डनरी बी एट स्पेशल उनके लिए कोई भी बाइफरकेशन नहीं है ये इतनी भी बाइफर्केशन हैं वो सारी शेयर होल्डर मीटिंग्स के लिए होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन होते हैं हो सकता है कि ऑर्डनरी हो सकता है कि

एंड ऑल शेयर हंड्रेड शेयर होल्डर्स हैव कम फॉर द मीटिंग मतलब सारे हंड्रेड के हंड्रेड प्रेजेंट हैं उस शेयर होल्डर्स की मीटिंग में राइट नो अब क्लास कुछ रेजोल्यूशन है कुछ बिजनेस ट्रांजेक्ट uh, हो रहा है मीटिंग में अब पच्चीस लोगों ने कह दिया नो मतलब अगेंस्ट द मोशन उन्होंने वोट कर दिया तो मतलब वोट्स इन फेवर कितने होने चाहिए इट इज़ थ्री इंटू ट्वेंटी फाइव दैट इज सेवेंटी फाइव सो हमेशा यही गलती होती है कि हम स्पेशल रेजोल्यूशन तो ये कह देते हैं तो हम ये कह देते हैं कि हंड्रेड प्रेजेंट है तो हंड्रेड का प्रपोर्शनेटली थ्री बाय फोर कर लो ऐसा नहीं होता जितने वोट्स अगेंस्ट होंगे उसका थ्री टाइम्स करना है अब ऐसा क्यों क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि न्यूट्रल पार्टी हों जो ना हाँ में जवाब दे रहे हों ना जहाँ ना ना में जवाब दे रहे हों क्योंकि क्लास मीटिंग में प्रेजेंट होना इज इम्पॉर्टेंट मीटिंग में प्रेजेंट होके वोट करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वो आ सकते हैं आराम से बैठ सकते हैं न्यूट्रल होकर मतलब वो ना हाँ में जवाब दे रहे हैं ना ना में जवाब दे रहे हैं सो so, अगर ऐसे ही चौबीस पीपल आर अगेंस्ट राइट चौबीस लोगों ने अगेंस्ट द मोशन एक को हमें आंसर दे दिया है कि हम ये पास नहीं कराएंगे तो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है तो इट इज़ ट्वेंटी फोर इंटू थ्री दैट इज सेवेंटी टू मतलब अगर उस सौ में से से सेवेंटी टू लोग भी हाँ में जवाब दे देते हैं तब भी क्या हो जाएगा रेजोल्यूशन वुड बी पास्ट राइट right? सो so, जो वोट्स इन फेवर होती हैं वो हमेशा कैलकुलेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स कास्ट अगेंस्ट देन क्लास इज बिजनेस ट्रांजेक्टेड इन अ स्पेशल रेजोल्यूशन कि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कौन कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्ट हो सकते हैं सो क्लास लाइक चेंज ऑफ कंपनीज नेम कंपनी का नाम चेंज कर दिया रिडक्शन कर दी शेयर कैपिटल में वाइंड अप हो रही है कंपनी किसी भी रीजन से या अमेंड कर रही है ए तो इनके लिए क्या चाहिए होगा थ्री टाइम्स वोट्स इन फेवर एज अगेंस्ट राइट दैन इज द लास्ट टाइप ऑफ रेजोल्यूशन दैट इज रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस अप क्लास रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस भी स्पेशल रेजोल्यूशन की तरह ही होता है बट इसमें एक फ़र्क होता है कि ये मेम्बर्स देते हैं मतलब शेयर होल्डर्स देते हैं ये कंपनी को मीन्स मेंबर्स वुड गिव स्पेशल नोटिस टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन कि मेम्बर्स को कुछ गलत लग रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ गलती लग रही है और मेम्बर्स चाह रहे हैं कि अगले आने वाली मीटिंग में ए जी एम में ये ये स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो राइट right? अब मेंबर्स हैं मतलब शेयर होल्डर्स तो अब शेयर होल्डर्स कौन कौन से हैं कि जो ये वाले स्पेशल नोटिस दे सकते हैं तो मेंबर्स होल्डिंग वन परसेंट ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या तो ये एक मेंबर भी हो सकता है जिसके पास इतने शेयर्स हो कि वन परसेंट वोटिंग पावर बने या तो वो एक ग्रुप भी हो सकता है राइट right? कि ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास वन वोटिंग पावर है और और मेंबर्स हैविंग पेड ऑफ़ कैपिटल ऑफ ऑफ एटलीस्ट फाइव लाख रुपीस या तो वो एक पर्सन भी हो सकता है एक मेंबर भी हो सकता है या तो वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं ये और वाली कंडीशन है क्लास कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होगी तब भी मेंबर्स जो हैं वो कंपनी को स्पेशल नोटिस दे सकते हैं अब टाइम क्या है तो एजीएम से चौदह दिन पहले तक कंपनी को स्पेशल नोटिस मिल जाना चाहिए और कहाँ से शुरू होता है ये चौदह दिन पहले तक का टाइम तीन महीने तक से मीन्स दिस नोटिस शुड बी सर्व टू द कंपनी थ्री मंथ्स बिफोर ए जी एम टिल फोटीन डेज लेफ़्ट ऑफ ए जी एम मतलब चौदह दिन होने चाहिए कंपनी के पास कि वो बाकी शेयर होल्डर्स को भी तो बताएगी ना खुद भी उस रेजोल्यूशन के ऊपर कुछ सोचेगी सो so उस उनके लिए उनके पास दो हफ्ते का टाइम होना चाहिए सो इट इज़ थ्री मंथ्स बिफोर ए जी एम टिल फोर्टीन डेज लेफ्ट फॉर ए जी एम राइट right? अब कंपनी के पास वो नोटिस चला गया स्पेशल नोटिस चला गया बाय पोस्ट चला गया या बाय थ्रू ईमेल चला गया सो so, कंपनी अब बाकी शेयर होल्डर्स को भी तो इंटीमेट करेगी बाकी डायरेक्टर्स को भी तो इंटीमेट करेगी बाकी स्टेक होल्डर्स को भी तो इंटीमेट करेगी तो ये जो इंटीमेशन है कि सारे शेयर होल्डर्स को मिल जानी चाहिए वो है एटलीस्ट फाइव सेवन डेज बिफोर ए राइट right? कि सात दिन पहले तक एजीएम के होने से पहले ये जो स्पेशल नोटिस आया है कुछ शेयर होल्डर्स की तरफ से ये सबको पता लग जाना चाहिए देखा तो तभी यहाँ पर फोर्टीन डेज थे कि जो कंपनी है उसके पास कम से कम एक हफ़्ता या दो हफ्ते तो हों अपनी बात रखने के लिए या बाकी शेयर होल्डर्स को बताने के लिए ये बात इज अगर तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि वो सात दिन पहले तक नहीं बता पा रहे हैं शेयर होल्डर्स को बहुत लेट हो गया है तो वो किसी भी कंपनी किसी ना किसी न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करा सकती है फर्स्ट वन इज़ इन इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ दी लोकल लैंग्वेज और वर्नाकुलर न्यूज़ पेपर राइट एक इंग्लिश में और अगर पंजाब है तो पंजाबी के न्यूज़पेपर में इसको प्रिंट करवा सकती है कि शेयर होल्डर्स की तरफ से ये स्पेशल नोटिस आया है प्लस उसी स्पेशल नोटिस को पब्लिश कर सकती है अपनी कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर राइट right? अगर शेयर होल्डर्स की तरफ से कोई नोटिस आया है अब तो उसका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो भी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा मतलब शेयर होल्डर्स को लग रहा है किसी डायरेक्टर को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है बिफोर टर्म क्योंकि वो कोई फ्रॉड कर रहा है या तो किसी ऑडिटर को रिमूव कर रहे हैं करना ज़रूरी है क्योंकि वो भी कोई फ्रॉड कर रहा है या कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन है जो वो राइवल्स को दे रहा है डायरेक्टर्स के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहा है राइट वो अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर चाहते हैं नॉट द रिटायरिंग ऑडिटर मतलब उसको रिमूव करके अपने हिसाब से एक नया ऑडिटर लेके आना चाहते हैं तो ऐसे जो कोई स्पेशल बिजनेस हैं जो मेम्बर मतलब कि शेयर होल्डर्स को इफेक्ट करेंगे वही स्पेशल नोटिस की तरफ से जाएंगे और ये नोटिस ऐसा है क्लास जो कि सबसे पहले मेंबर्स कंपनी को देते हैं कि हमें ये चीज डिस्कस करनी है ये चीज भी एजेंडा पर डालो तो थ्री मंथ्स टिल फोर्टीन डेज लेफ्ट देन कंपनी के पास कितने दिन का टाइम है सात दिन का टाइम है कि बाकी शेयर होल्डर्स बाकी स्टेक होल्डर्स और बाकी डायरेक्टर्स को भी बता पाए सो क्लास दिस वॉज ऑल अबाउट योर ऑफ द चैप्टर मोशंस एंड रेजोल्यूशंस So, class, this was the last chapter of your book, right? So, now only one topic is left that is Caro 2020. Thank you. Happy learning.